बच्चे हैं बल्लगढ़ में पढ़ने के लिए आते हैं, चंदावी स्कूल में भी आते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, सीनियर सेकेंडरी चंदावली स्कूल में भी है। तो बड़े तो चलो एक बार किसी साधन के थ्रू इधर से वैसे घूम के जा सकते हैं, जो बच्चे पैदल आ रहे हैं या किसी न किसी सवारी के थ्रू आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, उनका क्या हो। आज इतना बड़ा ये एक्सप्रेस वे बन रहा है जो दिल्ली से लेके बॉम्बे तक है, जितना हमें पता किया इस तरह की समस्या पूरे रोड पे कहीं पर नहीं है। ये हमारे लिए ऐसे क्यों कहते हैं, 40 फुट का बना देंगे, 30 फुट का रोड बना देंगे, अंडरपास बना देंगे। अरे हम अपनी मांगों को लेके बैठे, अपनी सुविधाओं के लिए अगर 30-40 फुट का कोई अंडरपास बना दिया गया तो जाम की समस्या और भयंकर हो जाएगी। पिछला विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र ये रोड है, सभी इस बात से वाकिफ है। हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर ग्रामीणों की और लोग इस मांगों को अगर इस सरकार ने नहीं माना तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन इस धरने को है और पूरा जिला कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आके बैठेगी। डेली हमारा कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता मेघालय आ भी रहा होगा, और एक तो हम हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी पूरे देश में चला रहे हैं, अभी सब ज़्यादातर उसी प्रचार में चल रहे हैं। आज दीपेंद्र जी भी आए हुए हैं, सेक्टर 11 में मीटिंग है उसको लेके। मेरी आप सबसे इस बात के लिए विनती है कि आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन दें। वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, जिन लोगों ने देश को बांटने का काम कर रखा है, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, चाहे चमड़ी के नाम पे हो, उन लोगों को सबको साथ लेके चलने के लिए, सबको जोड़ने के लिए भारत यात्रा पे राहुल गांधी जी यात्रा को लेके निकले। इन बातों के सब साथी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, धरने पर मौजूद है मनोज अग्रवाल, कांग्रेस के नेता है, बल्लगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। आइए बात करते हैं, ये जो धरना चल रहा है इसमें उनमें की क्या राय है, ये धरने में शामिल हुए आप, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये धरना किसी आम आदमी का नहीं है, ना ही इसमें कोई राजनीति चल रही है। आज ये धरने पे जो गांव के और शहर के लोग जो बैठे हुए हैं, एक जायज मांग के लिए बैठे हुए, जो 150 साल पुरानी पुलिया है जो दो विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ के बच्चे उस तरफ पढ़ने जाते हैं, उस जायज मांग के लिए जो ग्रामीण लोग यहाँ, गांव के लोग यहाँ बैठे हुए, उसको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मनोज अग्रवाल यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और हमने ग्रामीणों को पूरा आश्वासन दिया है, गांव वालों को, बल्लगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, पिथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, अगर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मांगी तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस धरने को और मजबूत करेगी, तन मन धन और हर तरह की आर्थिक सहायता के लिए यहाँ हम लोग मौजूद हैं। मनोज जी, मैं अभी आपको जानता हूँ, अक्सर सोशल मीडिया में देखते भी रहते हैं, कांग्रेस के संगठन के साथ आपकी अदावत रहती है, वो हम कई बार देखते भी हैं। मैं तो IMT जो एक्सपो चल रहा है वहाँ जा रहा था, यहाँ पर देखा चंदावली में धरना चल रहा है, तो मैं यहाँ पर शामिल हो गया था। अब ये बताइए कि इनकी जो मांग है तो क्या मान कर चलते हैं कि सरकार जो है मांगे मानेंगी? नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो धरना है कोई राजनीतिक धरना नहीं है और इसमें कोई BJP या कांग्रेस का कोई भी मुद्दा नहीं है। एक सरकार जो होती है, जनता जो चुन के जिसको लाती है, ये कर्तव्य उसका बनता है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस जो एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जहाँ छोटे छोटे रास्ते हैं, जहाँ कोई सिंगल गांव भी नहीं है या आगे कोई रास्ता नहीं है या सिर्फ तेराया है, ऐसे चौकों के ऊपर बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए गए, जो इतनी बड़ी बड़ी दो विधानसभा क्षेत्र आपस में मिल रहे हैं, जहाँ 15-20 लाख की जनसंख्या रहती है, तो क्या ये आम मांग नहीं है? तो उसमें कांग्रेस पार्टी BJP की बात नहीं है, BJP के जो साथी यहाँ बैठे हुए वो जानते हैं कि उनकी सरकार गलत कर रही है, इसलिए उन लोगों का समर्थन इस धरने को है।